गुरु रूपी सात संग जी गज बज के फतेह बुलाओ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज थोड़े सारिया का शुकराना कर दी हाँ, गुरु साहब का धन्यवाद कर दी हाँ कि बहुत लंबे चिर बाद इस इलाके में एक बार फिर थोड़े पिंडा में आके थोड़े दर्शन करन दा मैं ये मौका मिलया। आज तो ही थोड़े दर्शन शुरू हुए ने ते कलगीधर पिता का शुकराना कि इस इतिहासिक स्थान तो जिथे गुरु साहब ने आप तीन दिन इत्थे रह के उन्होंने इस पिंड नूं इन्ना वड्डा मान बख्शिया ते अज जट साहब के भी दर्शन तुसीं सारिआं ने कराते ते तुहाडे सारिआं दा बहुत बहुत शुकराना करदी हां। गुरु साहब का भी धन्यवाद करदी हां। बहुत ही पंथिक ते धार्मिक पिंड विच आ के बेहद खुशी इस करके भी क्योंकि इस इलाके दे नाल साडे परिवार का ते खास तौर पर मेरा अपना जदों तो तुसीं 2009 तो तुसीं सेवा इस निमानी दे झोली विच पाई ते 2009 ते 14 दे विच कई बारी थोड़े पिंडां विच आके थोड़े दर्शन करन दा मौका मिलिया। चार पांच बारी तो मैं खुद आई ते दो तीन बारी मुख्यमंत्री साहब सरदार प्रकाश सिंह बादल ने भी इस पिंड विच आके उन्होंने संगत दर्शन किए ते बादल साहब तो हमेशा आही सिक्ख्या मिली कि जब लोग मान बख्शते ने ते फिर उन्होंने विचर के उन्होंने जाके तकलीफा की सुनवाई करो तो मसलों का हल करो। तो मैं इस गल का माण कि जिथे बादल साहब बतौर मुख्यमंत्री होके भी पंजाब के कोने कोने में जाके ये नहीं कि मैं मिलन वास्ते मेरे घर आओ या मुख्यमंत्री निवास आओ, बतौर मुख्यमंत्री जाके लोगों के पिंडों में जाके उन्होंने सत्ता में बह के संगत दर्शन करके उन्होंने सुनवाई करके मसलों के हल करते सीते उन्होंने देखते हुए मेरे वर्गियों को भी मौका मिल गया कि जदों भी थोड़े पिंड में आती सी तो सरकार के वेले सारा प्रशासन थोड़े को हाजिर होता सी ते थोड़े कमां की सुनवाई होंदी सी। जिवें मेरे तो पहले दसिया कुछ कारणा करके पिछले 10 साल तो दूरिया बन गईयां सीगियां। मैनू बहुत दुख होंदा सी जब मैं इस इलाके तो टप के अपने बुढलाडे मानसे सरदूलगढ़ उन्हां हलकियां में जाती सी तो तकलीफ महसूस होंदी सी कि जिहड़े लोगों ने मैनू ये मान बख्शे अज थोड़े दुख विच मैं थोड़ा दुख नहीं सांझा कर सकती या फिर थोड़े पिंडां विच आके थोड़े नाल राफ्ता करके जिहड़े एम पी दे कोल माड़े मोटे पैसे होंदे ने उह थोड़ी कोई काम आ जाण थोड़ू कोई ग्रांट दे सकां। लेकिन निशाना हमेशा आई होंदा सी कि मेरे करके हल्के विच पार्टी ना कमज़ोर होए। जे हल्के नूं सांभण वालियां नूं इह पसंद नहीं सी कि डायरैक्ट मैं राफ्ता रखा तो फिर मैं वह काम ना करा जिदे नाल मेरी पार्टी कमज़ोर होए। तो किते ना किते मैं ये जरूर समझदी हाँ कि पिछले 10 साल च दूर रह के मेरी पार्टी कमज़ोर इस हल्के में जरूर हुई है, अकाली दल का ही नुकसान होया। तो मैं गुरु साहब का भी शुकराना करती हाँ, लोगों का भी धन्यवाद करती हाँ कि जिहड़े कारणा करके आ दूरियां बनाई गई सीगियां अज उन्हां कारणा नूं तुसीं मुकाता गुरु साहब ने मुकाता ते हुण इह दूरियां नूं आपां एक बार फिर नेड़ता च बदलना है। तुहाडे चरणां विच हासिल हो के हाजिर हो के थोड़ी तकलीफां की सुनवाई करनी ते जिन्ने जोगे आ हाँ दा नारा मारांगे तो उन्हां नूं दूर करन वास्ते पूरा पूरा जोर भी लवांगे। पिछले 10 साल च लोगों ने इलाके के लोगों ने पंजाब के लोगों ने सारिया पंजाब की सरकारों नूं देख लिया। बादल साहब की सरकार जेड़े बादल साहब ने पिंड पिंड जाके ग्रांटा के गफ्फे वंडे जिन्होंने आ सड़कों का जाल मोटर के कनैक्शन मंडी की फड़ की फोकल पॉइंट की मेरेटोरियस स्कूल की हस्पताल की रिफाइनरी की सेंट्रल यूनिवर्सिटिया की हर तरह के विकास बिजली के ग्रिड वाटर वर्क्स हर तरह के विकास के काम के नाल लोगों की तकलीफा घटन सहूलत बदन पंजाब अगे वधे दिन रात एक करके सूबे का कर्जा भी पिछली सरकार तो जो मिलिया सी उस कर्जे नू भी घटाया दिन रात मेहनत करके आमदन वधाई ते वधी हुई आमदन के नाल जिथे चौपक्षी विकास किया उत्थे हर वर्ग की बांह फड़ के उन्हां दी तकलीफा घटाइया। अज लोग याद करते हैं
जिथे बुजुर्गों की बांह फड़ के पेनशन की स्कीम बादल साहब ने लागू की, जिदा हक बनता से पेनशन मिलती सी। गरीबों की बांह फड़ के धियां के विआह के वास्ते शगन के चैक वंडते सिगे बादल साहब। दुख तकलीफ दे के जे आटा दाल की स्कीम लागू की तो हर महीने थानू राशन मिलता सी, ते जिदा हक से लखां की गिनती में पंजाब के नीले कार्ड बना के दिते। इस खजाने को जब बादल साहब के हाथ में सी, वो खजाना लोगों के उत्ते लुटाया। भावें बच्चियों के वजीफे से, भावें साइकलां सीगियां, भावें मुंडिया के खेडों के समान सीगा, जिम सीगा, कबड्डी वर्गी खेडा होंदिया सीगियां। भगत पूरन सिंह स्कीम के नाल 30,000 रुपए दवाइया वास्ते, भावें तीर्थ यात्रा योजना दर्शन दीदार भी बादल साहब ने कराते। किसी को मकान का चैक मिल रहा है, किसी को चूल्हा मिल रहा है, किसी को गैस का सिलेंडर मिल रहा, किसी को कुछ ना कुछ मिलता ही रहता सीगा। ते जे किसी को तकलीफ होंदी सी ते बादल पिंड दूर नहीं, सीएम हाउस लोगों के वास्ते उन्हां वास्ते गेट बंद नहीं होंदे सीगे। इन्नी वड्डी सिक्योरिटी लगा के छावनी नहीं बनी हुई सी जब बादल साहब संगत दर्शन करते सी। लोग आपके नेता दे कोल पहुँच करके आपकी तकलीफ दस सकते सीगे। जेड़े 103 साल पुरानी श्रोमणी अकाली दल पार्टी थोड़ी अपनी खेतरी पार्टी, वड्डे वडेरे थोड़े जिन्हां ने खून डोलिया कुर्बानियां कीतियां इस पार्टी का झंडा बुलंद रखने वास्ते, उस पार्टी में बादल साहब ने 70-75 साल आपके जीवन में अगवाई की, सेवा की, 18 साल कैदा कटिया कि पंजाब के हकों के उत्ते दिल्ली डाका ना मार सके, लड़ाइया लड़िया। आज ओहो जी खेतरी पार्टी नू, ओहो जे बादल साहब नू भंडी प्रचार करके कल्ले अकाली दल ते बादल साहब का नुकसान नहीं पंजाब का नुकसान किया, क्योंकि 10 साल पहले साडा पंजाब हिंदुस्तान के दूजे तीजे सूबियां विच सीगा। इन्हां दोवां नू सेवा दे के अज पंजाब थल्ले तो हिंदुस्तान च दूजे नंबर च आ गया। इहो जिहा करजा चढ़ाया, इहो जिहा झूठ मारिया, इहो जिहे करजे चढ़ा के हर पक्ष नू नारे ला के कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री तुसी देख लिया, जिहड़ा 4.5 साल बाहर नहीं निकलिया, लोगों के विच गया ही नहीं। चन्नी साहब आ गए जिहड़े कहिंदे मैं तां गरीब हाँ, गरीबों की तकलीफ मैं जानता, लेकिन जब मौका मिलिया तो गरीबों के पैसों के उत्ते इहो जिहा डाका मारिया। अज तक नोट बाहर निकली जा रहे हैं, सारिआं नू अज सारे भुलेखे दूर हो गए। वो कांग्रेस जिहड़ी घर घर नौकरी के फॉर्म भरांदी सी, किहड़ा इन्ने वड्डे पिंड च की इन्ने हल्के च दस दो किनू नौकरी मिली, घर घर तक ही मिलनी सी। करजा माफ़ करन दे फॉर्म भरांदे सी, किहदा करजा माफ़ होया पुछांगे नहीं तो किन्ने चिर करजाई हो जाओगे। 1,00,000 करोड़ रुपया का करजा कांग्रेस ही पा के लुट के खा गए थोड़े बच्चे के वजीफे, कटते थोड़े आटे दाल दे काट राशन खा गए थोड़ा, ना विकास की कोई इट लगी, ना हस्पताल, ना कोई स्कूल, ना कोई नौकरी। तो अज आही बेनती करने वास्ते आई हाँ कि अज लोड़ है कि सारियां नू एकजुट होना पौगा। अज वोट बना के असी अपनी रखवाली तो करिए अपने धार्मिक स्थानों की। सो आ बेनती करती हाँ कि आप दी वोट जरूर बनाओ। हरेक सिख का फर्ज बनता है कि सिख वोट पाए कि SGPC की अगवाई कौन करे, ये दिल्ली वालों के हक नहीं है कि वह फैसला करन कि साडे धार्मिक स्थानों की अगवाई कौन करूँगा, ये साडा फैसला बन। दूजी बेनती करती हाँ, पंचायती चोणां आनगियां, तकड़े होके किसी दूजी पार्टी की मदद लैके नहीं, निरोल श्रोमणी अकाली दल का सरपंच ते पंचायत बनाने वास्ते पूरा हमला मारो। लेकिन थोड़ी भैन थोड़ी धी दे कोल अजे भी MP ग्रांट हैगी, मैं डट के थानू ग्रांटा देवांगी अपने काम काज करन वास्ते, तुसीं बचाओ पंचायत। तीजी बेनती आ करदी हाँ कि जे पंजाब की राखी करनी है, पंजाब के हकों की लड़ाई करनी है, फिर पंथ की पार्टी नू मजबूत करना पौगा। अज पार्लियामेंट से जे गल रखनी होती पंजाब के लोगों की, अपने सूबे की हकों की आवाज़ चकनी हो, मेरे नाल जे 4 बंदे खड़े होंगे ना कंधा हिला देंगे, हुण कल्ली आवाज़ कितनी लड़ लोगे। ये ताकत तुसी बख्शनी है।